When and where does a rainbow appear in the sky? Draw a label diagram to show its formation. तो रेनबो कब होगा? तो यहाँ पे हम लोग रेनबो में है ना दो चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है. लेट अस सी द डायग्राम, जो कि एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. दो चीज़ें क्या देखते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है. यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पर देर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होकर के डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है. तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है. नाउ व्हेन डज इट हैपन, तो इट हैपन्स जब रेनड्रॉप रहेगा सराउंडिंग में, मतलब के वातावरण में, एनवायरमेंट में. रेनड्रॉप कब रहेगा? आफ्टर द शावर्स ऑफ रेन. देखिए रेनबो का भी, रेनड्रॉप का भी होना जरूरी है और सनलाइट का भी होना जरूरी है. तो स्पेशली इसीलिए जस्ट आफ्टर द रेन, ठीक है, जैसे रेन खत्म हुआ तो उस समय जो है ना टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दे आर देयर सस्पेंडेड इन द एटमोसफेयर, ठीक है. प्लस जो है ना बादल से आपको सनलाइट भी आया, ठीक है. तो दोनों चीज़ होना चाहिए, ठीक है. द रेन ड्रॉप, द प्रेजेंस ऑफ रेन ड्रॉप एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. और इसीलिए ध्यान से देखिए, सन जो है भैया कहीं इधर होगा तो ये अपोजिट वे में है ना, तो सन के अपोजिट में ये अपीयर होता है. तो वेयर डज इट अपीयर? इट अपीयर्स है ना अपोजिट ऑफ सनलाइट. और कौन देखेगा ये? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग नीचे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है. तो व्हेन, तो व्हेन रेन ड्रॉप एंड सनलाइट बोथ आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, व्हिच इज स्पेसिफिकली आफ्टर द जस्ट आफ्टर द रेन. वेयर डज इट अपीयर? इट अपीयर्स अपोजिट टू द सन. ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन. लेबल डायग्राम में ये भी जरूर लिख दीजिएगा कि देर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपनिंग इनसाइड द रेन ड्रॉप एंड ऑल्सो देर इज डिस्पर्सन हैपनिंग ऑफ द लाइट विच कॉजेज द रेज ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ टू स्प्लिट एंड दस बाय वी सी द ब्यूटिफुल रेनबो इन द स्काई. थैंक यू.